झुंझुनू में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए तीनों मरीजों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इन मरीजों में दंपति और उनके बच्चे को भगवान दास खेतान अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। ये परिवार 8 मार्च को इटली से झुंझुनू आया था। 17 मार्च को परिवार के तीनों सदस्यों की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। संक्रमित परिवार के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में जिला कलेक्टर के आदेश से कर्फ्यू घोषित किया गया है और सभी तरह के मेडिकल एहतियात भी बरते जा रहे हैं। हमारा मंडावा कस्बे से उजागर हुआ था और तभी से हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और इसके लिए जो घर घर जाके सर्वे, जैसे मंडावा कस्बा है उसके घर घर जाके सर्वे भी किया है। करीब फर्स्ट सर्वे किया, फिर 3 किलोमीटर के दायरे में सेकंड सर्वे किया। जो जितनी भी हमारी होटल्स हैं ज़िले की, वो करीब 22 होटल हैं, 21-22 होटल हैं, सबको डिसइनफेक्ट कर दिया है। और जो मंडावा कैसल था उसके सारे कमरों को डिसइनफेक्ट कर दिया है। साथ में जो बाहर से आ रहे हैं यात्री, जो 3 यात्री इटली से आए थे, उन यात्रियों को भी बाकायदा ट्रेस करके आइसोलेशन में रखा हुआ है। करीब 187-188 के आसपास होम आइसोलेशन में हैं। जिले में 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉकों के अंदर हमने क्वारंटाइन वार्ड बना दिया है और वहाँ पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन कर दिया है। और जो भी फॉरेन से व्यक्ति आ रहे हैं झुंझुनू जिले के, उन सभी की डेली डॉक्टर के द्वारा जांच की जा रही है, डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। उनमें किसी में फीवर कप के अगर सिम्टम आ रहे हैं तो उनके सैंपल SMS में भेजे जा रहे हैं। उसके अलावा हमने बड़े स्तर पर ज़िले में 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जेजेट यूनिवर्सिटी चुड़ैला और सिंघाड़ा यूनिवर्सिटी पचेरी, इन दोनों के अंदर लगभग 50 बेड की व्यवस्था जेजेट यूनिवर्सिटी ने क्वारंटाइन वार्ड के लिए की है और 100 बेड की व्यवस्था सिंघाड़ा यूनिवर्सिटी ने की है। तो उनके लिए दोनों जगह बड़े स्तर पर क्वारंटाइन वार्ड की व्यवस्था हमने कर ली है।